नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको साथियाँ मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। साथिया अंग्रेजी कंपेनियन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो शाद अली द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के बैनर तले मणिरत्नम और यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें शाहरुख खान और तब्बू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित था और गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। यह तमिल फिल्म अलैप्पा यूथो की रीमेक है, जिसका चरमोत्कर्ष 1998 की फिल्म स्लाइडिंग डोर्स से प्रेरित बताया गया था और जिसे मणिरत्नम ने भी निर्देशित किया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। निर्देशक शाद अली द्वारा लिखित गुलजार संवाद पटकथा की है मणिरत्नम कहानी द्वारा मणिरत्नम पर आधारित। मणिरत्नम द्वारा अलैप यूथे द्वारा निर्मित यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, मणिरत्नम, बॉबी बेदी अभिनीत, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय, शाहरुख खान, तब्बू, कुणाल कुमार, छायांकन अनिल मेहता द्वारा संपादित। ए श्रीकर प्रसाद संगीत दिया है AR रहमानी। उत्पादन कंपनियां यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज द्वारा वितरित। यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज, कैलिडोस्कोप एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 20 दिसंबर 2002। कार्यकारी समय 139 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट $75 मिलियन 940,000। बॉक्स ऑफिस 291 मिलियन US डॉलर 3.6 मिलियन। भूखंड आदित्य सहगल, विवेक ओबराय और उसके दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी सहगल रानी मुखर्जी की तलाश कर रहे हैं। आदित्य के साथ उनकी असफल शादी को लेकर लड़ाई होने के कुछ दिनों बाद वह घंटों से लापता है, लेकिन आदित्य को अब पता चलता है कि वह उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और तबाह हो जाता है कि वह उसे नहीं ढूंढ सकता। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और डॉक्टर सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी को पहले तो लगता है कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली की सुहानी की मध्यम वर्गीय जीवन शैली उनके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है, जहां आदित्य के पिता ओम सहगल सुहानी के पिता का अपमान करते हैं। आदित्य और सुहानी एलोपो और एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं। पहले तो वे अपने अपने घरों में रहते हैं और अपनी शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी ने फिर अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और एक जीर्ण शीर्ण घर में चले गए और एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने की धमकी देती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का अफेयर चल रहा है और वे एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वह उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर कि वे पैचअप कर लेंगे। बाद में
आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू करती है। यह पता चलता है कि सावित्री तब्बू ही है जिसने सुहानी को उसकी कार से टक्कर मार दी थी। खुद से डरकर सावित्री अपने पति को बुलाती है जो एक IAS अधिकारी है। उसका पति यशवंत राव शाहरुख खान अस्पताल जाता है और डॉक्टर को बताता है कि सुहानी उसकी पत्नी है और वह उसका ऑपरेशन करना चाहता है। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुंचता है। सुहानी कोमा में चली जाती है। यशवंत आदित्य को समझाता है और दोष लेता है और उसे बताता है कि उसने दुर्घटना का कारण बना था। आदित्य यशवंत को धमकाता है और चला जाता है। सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह थी जिसने दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। दोनों तब तक एक साथ आंसू बहाते हैं जब तक कि यशवंत आकर उसे उठा नहीं लेता। जल्दी सुहानी को होश आ जाता है। आदित्य भागता है और उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है जिससे वह अलग होने के घंटों में गुजरा। सुहानी भी उसके लिए अपने प्यार और भावनाओं का इजहार करती है। फिल्म आदित्य और सुहानी के मेकअप के रूप में समाप्त होती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फेंकना विवेक ओबराय के रूप में आदित्य सहगल, सुहानी के रूप में रानी मुखर्जी, यशवंत राव कैमियो के रूप में शाहरुख खान, सावित्री राव कैमियो के रूप में तब्बू, कुणाल कुमार भास्कर के रूप में संध्या मृदुल, दीना शर्मा के रूप में सुहानी की बहन, सुहानी के पिता चंद्र प्रकाश शर्मा के रूप में शरद सक्सेना, तनुजा शोभना शर्मा के रूप में सुहानी की मां सतीशा, बैरिस्टर ओम सहगल आदित्य के पिता के रूप में आदित्य की मां शांति सहगल के रूप में स्वरूप संपत, प्रेमा के रूप में अंजू महेंदू, आदित्य श्रीवास्तव ACP के रूप में कॉप राहुल पाटिल के रूप में राहुल चौहान, शमिता शेट्टी चोरी पे चोरी गाने में एक विशेष उपस्थिति में विशेष पिंकी के रूप में आर्य मेहता, उज्ज्वल राणा रघुनाथ रघु पंडित के रूप में पवली सान्याली, अंजू के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में दारू बाला के रूप में टीनू आनंद, दीपराज राणा इंस्पेक्टर के रूप में रघु के पिता के रूप में दीपक काजी, विद्या के रूप में जया भट्टाचार्य, श्याम के रूप में कार्तिक कुमार, अस्पताल में महिला के रूप में मानसी उपाध्याय, मनु ऋषि चड्ढा डॉक्टर के रूप में परितोष रेत वेदों के रूप में गीत संगीत साथिया, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा AR रहमानी, मुक्त 18 अक्टूबर 2002, डिजिटल रिलीज 20 दिसंबर 2002, फिल्म रिलीज रिकॉर्डेड पंचधन रिकॉर्ड इन शैली, फीचर फिल्म साउंड ट्रैक परिवेश लंबाई 44:3, लेवल YRF संगीत निर्माता AR रहमानी, AR रहमान कालक्रम कदल वायरस 2002, साथियां 2002, परशुराम 2003। AR रहमान द्वारा रचित 9 गाने हैं और गुलजार के बोल हैं। AR रहमान ने 2 गानों में यार मिला दे और नैना मिला के अपवाद के साथ तमिल फिल्म अलैथा यूथो के साउंडट्रैक से अपनी सभी रचनाओं का फिर से उपयोग किया जिसने उनके तमिल समकशो इवानो ओरुवन और अलैप यूथो को बदल दिया। साउंडट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। AR रहमान और सोनू निगम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्रमशः साथिया के लिए भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम देवदास के बाद साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के लिए गाने अलैप यूथो और इवानो ओरुवन को तमिल संस्करण से फिर से नहीं बनाया गया था। इसके बजाय रहमान ने एक शास्त्रीय गीत मेरे यार मिला दे और नैना मिला के एक सूफी ट्रैक की रचना की। गीतकार गुलजार जिन्होंने सभी हिंदी संस्करण गीत लिखे ने कहा, साथिया में मैंने प्यार किया, मैं मेरे यार मिला दे लिखा जो एक विशिष्ट रोमांटिक गीत नहीं है, हालांकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रेम गीत है। रत्नम के लिए रहमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए पिछले साउंडट्रैक के विपरीत
पूर्व में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत शैलियों को आधुनिक लय में जोड़कर अधिकांश गीतों की रचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षा लिखने पर समीक्षक तरण आदर्श ने कहा, यह आरमान का संगीत मधुर और कानों पर आसान है। शीर्षक ट्रैक बहुत पसंद है, लेकिन आइटम गीत को आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है, चल रहा है। शायद इस गीत को भी मसाला जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलियन सिने अर्बन पर आधारित समीक्षक ने संगीत की प्रशंसा की। एक शानदार डिजिटल डाउन मिक्स केवल संगीत चैनलों पर सभी महत्वपूर्ण साउंड ट्रैक फंतासी संगीत वीडियो क्लिप को ड्राइव करता है, जिसमें वे मल्टी कॉस्ट्यूम और मल्टी लोकेशन शो पीस हैं जो हमें ले जा रहे हैं झरने से लेकर बर्फीले पहाड़ के मैदानों तक, रमणीय तटरेखाओं तक, युगल और पूर्ण पैमाने पर शादी की दिनचर्या। संगीत के मूड को सेट करने के लिए अपने चार्टर के साथ पहले हाफ जिप के रूप में एक दूसरे का अनुसरण करती है। प्लेनेट बॉलीवुड के विजय रामनान ए आर रहमान का संगीत और स्कोर जबकि दो गानों को छोड़कर मूल से फिर से बनाया गया है, हमेशा की तरह शानदार। मिस्टर ब्राउन ने फिल्म के संगीत की समीक्षा की। गीत मुख्य रूप से लिफ्टिंग, शिक्षक संख्या, टक्कर देने वाला विभागीय, छलका छलका रेसी स्प्लिट और मोहक गाथा गीत, चुपके से चुपचाप और ए उड़ी 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 फिलेव अवे एक हाईलाइट। ग्लेशम ने बताया, कुल मिलाकर ए आर रहमान की संगीत रचना की सभी प्रशंसा करते हैं। संगीत आदित्य और उत्साही है। ए आर रहमान अपने प्रशंसकों की लगातार बढ़ती सूची के लिए संगीत की एक अलग शैली बनाने में सफल रहे हैं। गीत निश्चित रूप से रोमांचक संगीत में बश में हो रहा है। नए संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसे आवश्यक खरीदना चाहिए। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक साथिया, इस गाने को सोनू निगम और क्लिंटन सेरोजो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो छलका छलका रे, इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर, वैशाली सामंत, ऋचा शर्मा और शोमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ए उदी उदी, इस गाने के गायकार अदनान सामी हैं। गाना नंबर चार ओ हमदम सोनिए रे, इस गाने के गायकार के कुणाल गांजावाला, शान साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चुपके से, इस गाने के गायकार साधना सरगम, मुर्तजा खान, कादिर खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे यार मिला दे, इस गाने के गायकार ए आर रहमानी हैं। गाना नंबर सात नैना मिला के, इस गाने के गायकार साधना सरगम और मधुश्री हैं। गाना नंबर आठ मंगलम, इस गाने के गायकार श्रीनिवास के कुणाल गांजावाला और शान हैं। गाना नंबर नौ चोरी पे चोरी, रैप के बोल और वोकल्स ब्लेज, इस गाने के गायकार आशा भोसले और कार्तिक हैं। पुरस्कार 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साथिया के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा मणिरत्नम, बेस्ट डायलॉग गुलजारी मनोनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विवेक ओबराय, जी सिने अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड्स ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जी सिने अवार्ड साथिया के लिए गुलजार, जी सिने अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉ टेलर आईफा IIFA, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। दोस्तों यह मूवी बहुत ही हिट रही है, आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे।
तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको साथियां मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। साथिया अंग्रेजी कंपेनियन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो शाद अली द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के बैनर तले मणिरत्नम और यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें शाहरुख खान और तब्बू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित था और गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। यह तमिल फिल्म अलैप्पा यूथो की रीमेक है, जिसका चरमोत्कर्ष 1998 की फिल्म स्लाइडिंग डोर्स से प्रेरित बताया गया था और जिसे मणिरत्नम ने भी निर्देशित किया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। निर्देशक शाद अली द्वारा लिखित गुलजार संवाद पटकथा की है मणिरत्नम कहानी द्वारा मणिरत्नम पर आधारित। मणिरत्नम द्वारा अलैप यूथे द्वारा निर्मित यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, मणिरत्नम, बॉबी बेदी अभिनीत, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय, शाहरुख खान, तब्बू, कुणाल कुमार, छायांकन अनिल मेहता द्वारा संपादित। ए श्रीकर प्रसाद संगीत दिया है AR रहमानी। उत्पादन कंपनियां यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज द्वारा वितरित। यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज, कैलिडोस्कोप एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 20 दिसंबर 2002। कार्यकारी समय 139 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट $75 मिलियन, $940,000। बॉक्स ऑफिस $291 मिलियन, $3.6 मिलियन। भूखंड आदित्य सहगल, विवेक ओबराय और उसके दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी सहगल रानी मुखर्जी की तलाश कर रहे हैं। आदित्य के साथ उनकी असफल शादी को लेकर लड़ाई होने के कुछ दिनों बाद वह घंटों से लापता है, लेकिन आदित्य को अब पता चलता है कि वह उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और तबाह हो जाता है कि वह उसे नहीं ढूँढ सकता। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और डॉक्टर सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी को पहले तो लगता है कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालाँकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली की सुहानी की मध्यम वर्गीय जीवन शैली उनके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है, जहां आदित्य के पिता ओम सहगल सुहानी के पिता का अपमान करते हैं। आदित्य और सुहानी एलोपो और एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं। पहले तो वे अपने अपने घरों में रहते हैं और अपनी शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी ने फिर अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और एक जीर्ण शीर्ण घर में चले गए और एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने की धमकी देती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का अफेयर चल रहा है और वे एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वह उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर कि वे पैचअप कर लेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू करती है। यह पता चलता है कि शाब्दी तब्बू ही है जिसने सुहानी को उसकी कार से टक्कर मार दी थी। खुद से डर कर सावित्री अपने पति को बुलाती है, जो एक IAS अधिकारी है। उसका पति
यशवंत राव शाहरुख खान अस्पताल जाता है और डॉक्टर को बताता है कि सुहानी उसकी पत्नी है और वह उसका ऑपरेशन करना चाहता है। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुंचता है। सुहानी कोमा में चली जाती है। यशवंत आदित्य को समझाता है और दोष लेता है और उसे बताता है कि उसने दुर्घटना का कारण बना था। आदित्य यशवंत को धमकाता है और चला जाता है। सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह थी जिसने दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। दोनों तब तक एक साथ आंसू बहाते हैं जब तक कि यशवंत आकर उसे उठा नहीं लेता। जल्दी सुहानी को होश आ जाता है। आदित्य भागता है और उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है जिससे वह अलग होने के घंटों में गुजरा। सुहानी भी उसके लिए अपने प्यार और भावनाओं का इजहार करती है। फिल्म आदित्य और सुहानी के मेकअप के रूप में समाप्त होती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फेंकना विवेक ओबराय के रूप में आदित्य सहगल, सुहानी के रूप में रानी मुखर्जी, यशवंत राव कैमियो के रूप में शाहरुख खान, सावित्री राव कैमियो के रूप में तब्बू, कुणाल कुमार भास्कर के रूप में संध्या मृदुल, दीना शर्मा के रूप में सुहानी की बहन, सुहानी के पिता चंद्र प्रकाश शर्मा के रूप में शरद सक्सेना, तनुजा शोभना शर्मा के रूप में सुहानी की मां सतीश शाह, बैरिस्टर ओम सहगल आदित्य के पिता के रूप में आदित्य की मां शांति सहगल के रूप में स्वरूप संपत, प्रेमा के रूप में अंजू महेंदु, आदित्य श्रीवास्तव एसीबी के रूप में कॉप राहुल पाटिल के रूप में राहुल चौहान, शमिता शेट्टी चोरी पे चोरी गाने में एक विशेष उपस्थिति में विशेष पिंकी के रूप में आर्य मेहता, उज्ज्वल राणा रघुनाथ रघु पंडित के रूप में पवली सान्याली, अंजू के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में दारू बाला के रूप में टीनू आनंद, दीपराज राणा इंस्पेक्टर के रूप में रघु के पिता के रूप में दीपक काजी, विद्या के रूप में जया भट्टाचार्य, श्याम के रूप में कार्तिक कुमार, अस्पताल में महिला के रूप में मानसी उपाध्याय, मनु ऋषि चड्ढा डॉक्टर के रूप में परितोष रेत वेदों के रूप में गीत संगीत साथिया साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा एआर रहमानी मुक्त 18 अक्टूबर 2002 डिजिटल रिलीज 20 दिसंबर 2002 फिल्म रिलीज रिकॉर्डेड पंचथन रिकॉर्ड इन शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक परिवेश लंबाई 44:3 लेवल YRF संगीत निर्माता एआर रहमानी एआर रहमान कालक्रम कदल वायरस 2002 साथियां 2002 परशुराम 2003 ए आर रहमान द्वारा रचित 9 गाने हैं और गुलजार के बोल हैं। ए आर रहमान ने 2 गानों में यार मिला दे और नैना मिला के अपवाद के साथ तमिल फिल्म अलैथा यूथो के साउंड ट्रैक से अपनी सभी रचनाओं का फिर से उपयोग किया जिसने उनके तमिल समकशो इवानो ओरुवन और अलैप यूथो को बदल दिया। साउंड ट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। एआर रहमान और सोनू निगम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्रमशः साथिया के लिए भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम देवदास के बाद साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के लिए गाने अलैप यूथो और इवानो ओरुवन को तमिल संस्करण से फिर से नहीं बनाया गया था। इसके बजाय रहमान ने एक शास्त्रीय गीत मेरे यार मिला दे और नैना मिला के एक सूफी ट्रैक की रचना की। गीतकार गुलजार जिन्होंने सभी हिंदी संस्करण गीत लिखे ने कहा साथिया में मैंने प्यार किया मैं मेरे यार मिला दे लिखा जो एक विशिष्ट रोमांटिक गीत नहीं है हालांकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रेम गीत है। रत्नम के लिए रहमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए पिछले साउंडट्रैक के विपरीत पूर्व में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत शैलियों को आधुनिक लय में जोड़कर अधिकांश गीतों की रचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षा लिखने पर समीक्षक तरण आदर्श ने कहा ये रहमान का संगीत मधुर और कानों पर आसान है। शीर्षक
ट्रैक बहुत पसंद है, लेकिन आइटम गीत को आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है, चल रहा है। शायद इस गीत को भी मसाला जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलियन सिने अर्बन पर आधारित समीक्षक ने संगीत की प्रशंसा की। एक शानदार डिजिटल डाउन मिक्स केवल संगीत चैनलों पर सभी महत्वपूर्ण साउंड ट्रैक फंतासी संगीत वीडियो क्लिप को ड्राइव करता है, जिसमें वे मल्टी कॉस्ट्यूम और मल्टी लोकेशन शो पीस हैं जो हमें ले जा रहे हैं झरने से लेकर बर्फीले पहाड़ के मैदानों तक, रमणीय तटरेखाओं तक, युगल और पूर्ण पैमाने पर शादी की दिनचर्या। संगीत के मूड को सेट करने के लिए अपने चार्टर के साथ पहले हाफ जिप के रूप में एक दूसरे का अनुसरण करती है। प्लेनेट बॉलीवुड के विजय रामनान ए आर रहमान का संगीत और स्कोर जबकि दो गानों को छोड़कर मूल से फिर से बनाया गया है, हमेशा की तरह शानदार। मिस्टर ब्राउन ने फिल्म के संगीत की समीक्षा की। गीत मुख्य रूप से लिफ्टिंग शिक्षक संख्या टक्कर देने वाला विभागीय छलका छलका रेसी स्प्लिट और मोहक गाथा गीत चुपके से चुपचाप और ए उड़ी 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 फिलेव अवे एक हाईलाइट। ग्लेशम ने बताया, कुल मिलाकर ए आर रहमान की संगीत रचना की सभी प्रशंसा करते हैं। संगीत आदित्य और उत्साही है। ए आर रहमान अपने प्रशंसकों की लगातार बढ़ती सूची के लिए संगीत की एक अलग शैली बनाने में सफल रहे हैं। गीत निश्चित रूप से रोमांचक संगीत में बश में हो रहा है। इन्हें संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसे आवश्यक खरीदना चाहिए। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक साथिया, इस गाने को सोनू निगम और क्लिंटन सेरोजो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो छलका छलका रे, इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर, वैशाली सामंत, ऋचा शर्मा और शोमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ए उदी उदी, इस गाने के गायकार अदनान सामी हैं। गाना नंबर चार ओ हमदम सोनिए रे, इस गाने के गायकार के कुणाल गांजावाला, शान साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चुपके से, इस गाने के गायकार साधना सरगम, मुर्तजा खान, कादिर खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे यार मिला दे, इस गाने के गायकार ए आर रहमानी हैं। गाना नंबर सात नैना मिला के, इस गाने के गायकार साधना सरगम और मधुश्री हैं। गाना नंबर आठ मंगलम, इस गाने के गायकार श्रीनिवास के कुणाल गांजावाला और शान हैं। गाना नंबर नौ चोरी पे चोरी, रैप के बोल और वोकल्स ब्लेज, इस गाने के गायकार आशा भोसले और कार्तिक हैं। पुरस्कार 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साथिया के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा मणिरत्नम, बेस्ट डायलॉग गुलजारी मनोनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विवेक ओबराय, जी सिने अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड्स ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जी सिने अवार्ड साथिया के लिए गुलजार, जी सिने अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉ टेलर आईफा IIFA, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। दोस्तों यह मूवी बहुत ही हिट रही है, आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको साथियाँ मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है
तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। साथिया अंग्रेजी कंपेनियन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो शाद अली द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के बैनर तले मणिरत्नम और यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें शाहरुख खान और तब्बू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित था और गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। यह तमिल फिल्म अलैप्पा यूथो की रीमेक है, जिसका चरमोत्कर्ष 1998 की फिल्म स्लाइडिंग डोर्स से प्रेरित बताया गया था और जिसे मणिरत्नम ने भी निर्देशित किया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। निर्देशक शाद अली द्वारा लिखित गुलजार संवाद पटकथा की है मणिरत्नम। कहानी द्वारा मणिरत्नम पर आधारित, मणिरत्नम द्वारा अलैप यूथे द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, मणिरत्नम, बॉबी बेदी अभिनीत, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय, शाहरुख खान, तब्बू, कुणाल कुमार, छायांकन अनिल मेहता द्वारा संपादित, ए श्रीकर प्रसाद, संगीत दिया है AR रहमानी, उत्पादन कंपनियां यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज, कैलिडोस्कोप एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 20 दिसंबर 2002, कार्यकारी समय 139 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट $75 मिलियन, $940,000, बॉक्स ऑफिस $291 मिलियन, $3.6 मिलियन। भूखंड आदित्य सहगल विवेक ओबराय और उसके दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी सहगल रानी मुखर्जी की तलाश कर रहे हैं। आदित्य के साथ उनकी असफल शादी को लेकर लड़ाई होने के कुछ दिनों बाद वह घंटों से लापता है, लेकिन आदित्य को अब पता चलता है कि वह उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और तबाह हो जाता है कि वह उसे नहीं ढूँढ सकता। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और डॉक्टर सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी को पहले तो लगता है कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालाँकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली की सुहानी की मध्यम वर्गीय जीवन शैली उनके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है, जहां आदित्य के पिता ओम सहगल सुहानी के पिता का अपमान करते हैं। आदित्य और सुहानी एलोको और एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं। पहले तो वे अपने अपने घरों में रहते हैं और अपनी शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी ने फिर अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और एक जीर्ण शीर्ण घर में चले गए और एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने की धमकी देती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का अफेयर चल रहा है और वे एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वह उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर कि वे पैचअप कर लेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू करती है। यह पता चलता है कि शावित्री तब्बू ही है जिसने सुहानी को उसकी कार से टक्कर मार दी थी। खुद से डर कर सावित्री अपने पति को बुलाती है, जो एक IAS अधिकारी है। उसका पति यशवंत राव शाहरुख खान अस्पताल जाता है और डॉक्टर को बताता है कि सुहानी उसकी पत्नी है और वह उसका ऑपरेशन करना चाहता है। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुंचता है। सुहानी कोमा में चली जाती है। यशवंत
आदित्य को समझाता है और दोष लेता है और उसे बताता है कि उसने दुर्घटना का कारण बना था। आदित्य यशवंत को धमकाता है और चला जाता है। सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह थी जिसने दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। दोनों तब तक एक साथ आंसू बहाते हैं जब तक कि यशवंत आकर उसे उठा नहीं लेता। जल्दी स्वानी को होश आ जाता है। आदित्य भागता है और उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है जिससे वह अलग होने के घंटों में गुजरा। सुहानी भी उसके लिए अपने प्यार और भावनाओं का इजहार करती है। फिल्म आदित्य और सुहानी के मेकअप के रूप में समाप्त होती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फेंकना विवेक ओबराय के रूप में आदित्य सहगल, सुहानी के रूप में रानी मुखर्जी, यशवंत राव कैमियो के रूप में शाहरुख खान, सावित्री राव कैमियो के रूप में तब्बू, कुणाल कुमार भास्कर के रूप में संध्या मृदुल, दीना शर्मा के रूप में सुहानी की बहन, सुहानी के पिता चंद्र प्रकाश शर्मा के रूप में शरद सक्सेना, तनुजा शोभना शर्मा के रूप में सुहानी की मां सतीश शाह, बैरिस्टर ओम सहगल आदित्य के पिता के रूप में आदित्य की मां शांति सहगल के रूप में, स्वरूप संपत प्रेमा के रूप में अंजू महेंदु, आदित्य श्रीवास्तव एसीबी के रूप में कॉप राहुल पाटिल के रूप में राहुल चौहान, शमिता शेट्टी चोरी पे चोरी गाने में एक विशेष उपस्थिति में विशेष पिंकी के रूप में आर्य मेहता, उज्ज्वल राणा रघुनाथ रघु पंडित के रूप में पवली सान्याली, अंजू के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में दारू बाला के रूप में टीनू आनंद, दीपराज राणा इंस्पेक्टर के रूप में रघु के पिता के रूप में दीपक काजी, विद्या के रूप में जया भट्टाचार्य, श्याम के रूप में कार्तिक कुमार, अस्पताल में महिला के रूप में मानसी उपाध्याय, मनु ऋषि चड्ढा डॉक्टर के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में गीत संगीत साथिया साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा एआर रहमानी मुक्त 18 अक्टूबर 2002 डिजिटल रिलीज 20 दिसंबर 2002 फिल्म रिलीज रिकॉर्डेड पंचथन रिकॉर्ड इन शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक परिवेश लंबाई 44:3 लेवल YRF संगीत निर्माता ए आर रहमान कालक्रम कदल वायरस 2002 साथियां 2002 परशुराम 2003 ए आर रहमान द्वारा रचित 9 गाने हैं और गुलजार के बोल हैं। ए आर रहमान ने 2 गानों मेरे यार मिला दे और नैना मिला के अपवाद के साथ तमिल फिल्म अलैथा यूथो के साउंडट्रैक से अपनी सभी रचनाओं का फिर से उपयोग किया जिसने उनके तमिल समकशो इवानो ओरुवन और अलैप यूथो को बदल दिया। साउंडट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। ए आर रहमान और सोनू निगम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्रमशः साथिया के लिए भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम देवदास के बाद साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के लिए गाने अलैप यूथो और इवानो ओरुवन को तमिल संस्करण से फिर से नहीं बनाया गया था। इसके बजाय रहमान ने एक शास्त्रीय गीत मेरे यार मिला दे और नैना मिला के एक सूफी ट्रैक की रचना की। गीतकार गुलजार जिन्होंने सभी हिंदी संस्करण गीत लिखे ने कहा, साथिया में मैंने प्यार किया, मैं मेरे यार मिला दे लिखा जो एक विशिष्ट रोमांटिक गीत नहीं है, हालांकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रेम गीत है। रत्नम के लिए रहमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए पिछले साउंडट्रैक के विपरीत पूर्व में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत शैलियों को आधुनिक लय में जोड़कर अधिकांश गीतों की रचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षा लिखने पर समीक्षक तरण आदर्श ने कहा, ए आर रहमान का संगीत मधुर और कानों पर आसान है। शीर्षक ट्रैक बहुत पसंद है लेकिन आइटम गीत को आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है। चल रहा है शायद इस गीत को भी मसाला
जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलियन सिने अर्बन पर आधारित समीक्षक ने संगीत की प्रशंसा की। एक शानदार डिजिटल डाउन मिक्स केवल संगीत चैनलों पर सभी महत्वपूर्ण साउंडट्रैक फंतासी संगीत वीडियो क्लिप को ड्राइव करता है, जिसमें वे मल्टी कॉस्ट्यूम और मल्टी लोकेशन शो पीस हैं जो हमें ले जा रहे हैं झरने से लेकर बर्फीले पहाड़ के मैदानों तक, रमणीय तटरेखाओं तक, युगल और पूर्ण पैमाने पर शादी की दिनचर्या। संगीत के मूड को सेट करने के लिए अपने चार्टर के साथ पहले हाफ जिप के रूप में एक दूसरे का अनुसरण करती है। प्लेनेट बॉलीवुड के विजय रामनान ए आर रहमान का संगीत और स्कोर जबकि दो गानों को छोड़कर मूल से फिर से बनाया गया है, हमेशा की तरह शानदार। मिस्टर ब्राउन ने फिल्म के संगीत की समीक्षा की। गीत मुख्य रूप से लिफ्टिंग, शिक्षक संख्या, टक्कर देने वाला विभागीय, छलका छलका रेसी, स्प्लिट और मोहक गाथा गीत, चुपके से चुपचाप और ए उड़ी 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 फिलेव अवे एक हाईलाइट। ग्लेशम ने बताया, कुल मिलाकर ए आर रहमान की संगीत रचना की सभी प्रशंसा करते हैं। संगीत आदित्य और उत्साही है। ए आर रहमान अपने प्रशंसकों की लगातार बढ़ती सूची के लिए संगीत की एक अलग शैली बनाने में सफल रहे हैं। गीत निश्चित रूप से रोमांचक संगीत में वश में हो रहा है। इन्हें संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसे आवश्यक खरीदना चाहिए। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक साथिया, इस गाने को सोनू निगम और क्लिंटन सेरोजो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो छलका छलका रे, इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर, वैशाली सामंत, ऋचा शर्मा और शोमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ए उदी उदी, इस गाने के गायकार अदनान सामी हैं। गाना नंबर चार ओ हमदम सोनिए रे, इस गाने के गायकार के कुणाल गांजावाला, शान साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चुपके से, इस गाने के गायकार साधना सरगम, मुर्तजा खान, कादिर खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे यार मिला दे, इस गाने के गायकार ए आर रहमानी हैं। गाना नंबर सात नैना मिला के, इस गाने के गायकार साधना सरगम और मधुश्री हैं। गाना नंबर आठ मंगलम, इस गाने के गायकार श्रीनिवास के कुणाल गांजावाला और शान हैं। गाना नंबर नौ चोरी पे चोरी, रैप के बोल और वोकल्स ब्लेज, इस गाने के गायकार आशा भोसले और कार्तिक हैं। पुरस्कार 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साथिया के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा मणिरत्नम, बेस्ट डायलॉग गुलजारी मनोनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विवेक ओबराय, जी सिने अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड्स ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जी सिने अवार्ड साथिया के लिए गुलजार, जी सिने अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉ टेलर आईफा IIFA, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। दोस्तों यह मूवी बहुत ही हिट रही है, आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको साथियाँ मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को
आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। साथिया अंग्रेजी कंपेनियन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो शाद अली द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के बैनर तले मणिरत्नम और यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें शाहरुख खान और तब्बू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित था और गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। यह तमिल फिल्म अलैप्पा यूथो की रीमेक है, जिसका चरमोत्कर्ष 1998 की फिल्म स्लाइडिंग डोर्स से प्रेरित बताया गया था और जिसे मणिरत्नम ने भी निर्देशित किया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। निर्देशक शाद अली द्वारा लिखित गुलजार संवाद पटकथा की है मणिरत्नम। कहानी द्वारा मणिरत्नम पर आधारित मणिरत्नम द्वारा अलैप यूथे द्वारा निर्मित यश चोपड़ा आदित्य चोपड़ा मणिरत्नम बॉबी बेदी अभिनीत रानी मुखर्जी विवेक ओबराय शाहरुख खान तब्बू कुणाल कुमार छायांकन अनिल मेहता द्वारा संपादित ए श्रीकर प्रसाद संगीत दिया है AR रहमानी। उत्पादन कंपनियां यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज कैलिडोस्कोप एंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख 20 दिसंबर 2002 कार्यकारी समय 139 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट $75 मिलियन 940,000 बॉक्स ऑफिस $291 मिलियन 3.6 मिलियन। भूखंड आदित्य सहगल विवेक ओबराय और उसके दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी सहगल रानी मुखर्जी की तलाश कर रहे हैं। आदित्य के साथ उनकी असफल शादी को लेकर लड़ाई होने के कुछ दिनों बाद वह घंटों से लापता है, लेकिन आदित्य को अब पता चलता है कि वह उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और तबाह हो जाता है कि वह उसे नहीं ढूँढ सकता। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और डॉक्टर सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी को पहले तो लगता है कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालाँकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली की सुहानी की मध्यम वर्गीय जीवन शैली उनके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है, जहां आदित्य के पिता ओम सहगल सुहानी के पिता का अपमान करते हैं। आदित्य और सुहानी एलोपो और एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं। पहले तो वे अपने अपने घरों में रहते हैं और अपनी शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी ने फिर अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और एक जीर्ण शीर्ण घर में चले गए और एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने की धमकी देती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का अफेयर चल रहा है और वे एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वह उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर कि वे पैचअप कर लेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू करती है। यह पता चलता है कि शावित्री तब्बू ही है जिसने सुहानी को उसकी कार से टक्कर मार दी थी। खुद से डर कर सावित्री अपने पति को बुलाती है, जो एक IAS अधिकारी है। उसका पति यशवंत राव शाहरुख खान अस्पताल जाता है और डॉक्टर को बताता है कि सुहानी उसकी पत्नी है और वह उसका ऑपरेशन करना चाहता है। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुंचता है। सुहानी कोमा में चली जाती है। यशवंत आदित्य को समझाता है और दोष लेता है और उसे बताता है कि उसने दुर्घटना का कारण बना था।
आदित्य यशवंत को धमकाता है और चला जाता है। सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह थी जिसने दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। दोनों तब तक एक साथ आंसू बहाते हैं जब तक कि यशवंत आकर उसे उठा नहीं लेता। जल्दी सुहानी को होश आ जाता है। आदित्य भागता है और उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है जिससे वह अलग होने के घंटों में गुजरा। सुहानी भी उसके लिए अपने प्यार और भावनाओं का इजहार करती है। फिल्म आदित्य और सुहानी के मेकअप के रूप में समाप्त होती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फेंकना विवेक ओबराय के रूप में आदित्य सहगल, सुहानी के रूप में रानी मुखर्जी, यशवंत राव कैमियो के रूप में शाहरुख खान, सावित्री राव कैमियो के रूप में तब्बू, कुणाल कुमार भास्कर के रूप में संध्या मृदुल, दीना शर्मा के रूप में सुहानी की बहन, सुहानी के पिता चंद्र प्रकाश शर्मा के रूप में शरद सक्सेना, तनुजा शोभना शर्मा के रूप में सुहानी की माँ सतीश शाह, बैरिस्टर ओम सहगल आदित्य के पिता के रूप में आदित्य की माँ शांति सहगल के रूप में स्वरूप संपत, प्रेमा के रूप में अंजू महेंदु, आदित्य श्रीवास्तव एसीबी के रूप में कॉप राहुल पाटिल के रूप में राहुल चौहान, शमिता शेट्टी चोरी पे चोरी गाने में एक विशेष उपस्थिति में विशेष पिंकी के रूप में आर्य मेहता, उज्ज्वल राणा रघुनाथ रघु पंडित के रूप में पवली सान्याली, अंजू के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में दारू बाला के रूप में टीनू आनंद, दीपराज राणा इंस्पेक्टर के रूप में रघु के पिता के रूप में दीपक काजी, विद्या के रूप में जया भट्टाचार्य, श्याम के रूप में कार्तिक कुमार, अस्पताल में महिला के रूप में मानसी उपाध्याय, मनु ऋषि चड्ढा डॉक्टर के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में गीत संगीत साथिया साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा ए आर रहमानी मुक्त 18 अक्टूबर 2002 डिजिटल रिलीज 20 दिसंबर 2002 फिल्म रिलीज रिकॉर्डेड पंचथन रिकॉर्ड इन शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक परिवेश लंबाई 44:3 लेवल YRF संगीत निर्माता ए आर रहमान कालक्रम कदल वायरस 2002 साथियां 2002 परशुराम 2003 यार रहमान द्वारा रचित 9 गाने हैं और गुलजार के बोल हैं। यार रहमान ने 2 गानों में यार मिला दे और नैना मिला के अपवाद के साथ तमिल फिल्म अलैथा यूथो के साउंडट्रैक से अपनी सभी रचनाओं का फिर से उपयोग किया जिसने उनके तमिल समकशो इवानो ओरुवन और अलैप यूथो को बदल दिया। साउंडट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। एआर रहमान और सोनू निगम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्रमशः साथिया के लिए भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम देवदास के बाद साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के लिए गाने अलैप यूथो और इवानो ओरुवन को तमिल संस्करण से फिर से नहीं बनाया गया था। इसके बजाय रहमान ने एक शास्त्रीय गीत मेरे यार मिला दे और नैना मिला के एक सूफी ट्रैक की रचना की। गीतकार गुलजार जिन्होंने सभी हिंदी संस्करण गीत लिखे ने कहा साथिया में मैंने प्यार किया मैं मेरे यार मिला दे लिखा जो एक विशिष्ट रोमांटिक गीत नहीं है हालांकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रेम गीत है। रत्नम के लिए रहमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए पिछले साउंडट्रैक के विपरीत पूर्व में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत शैलियों को आधुनिक लय में जोड़कर अधिकांश गीतों की रचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षा लिखने पर समीक्षक तरण आदर्श ने कहा ये रहमान का संगीत मधुर और कानों पर आसान है। शीर्षक ट्रैक बहुत पसंद है लेकिन आइटम गीत को आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है चल रहा है। शायद इस गीत को भी मसाला जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलियन सिने अर्बन पर आधारित समीक्षक ने संगीत की प्रशंसा की। एक शानदार डिजिटल डाउन मिक्स केवल संगीत चैनलों पर सभी महत्वपूर्ण साउंड ट्रैक
फंतासी संगीत वीडियो क्लिप को ड्राइव करता है, जिसमें वे मल्टी कॉस्ट्यूम और मल्टी लोकेशन शो पीस हैं जो हमें ले जा रहे हैं झरने से लेकर बर्फीले पहाड़ के मैदानों तक, रमणीय तटरेखाओं तक, युगल और पूर्ण पैमाने पर शादी की दिनचर्या। संगीत के मूड को सेट करने के लिए अपने चार्टर के साथ पहले हाफ जिप के रूप में एक दूसरे का अनुसरण करती है। प्लेनेट बॉलीवुड के विजय रामनान ए आर रहमान का संगीत और स्कोर जबकि दो गानों को छोड़कर मूल से फिर से बनाया गया है, हमेशा की तरह शानदार। मिस्टर ब्राउन ने फिल्म के संगीत की समीक्षा की। गीत मुख्य रूप से लिफ्टिंग, शिक्षक संख्या, टक्कर देने वाला विभागीय, छलका छलका रेसी, स्प्लिट और मोहक गाथा गीत, चुपके से चुपचाप और ए उड़ी 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 फिलेव अवे एक हाईलाइट। ग्लेशम ने बताया, कुल मिलाकर ए आर रहमान की संगीत रचना की सभी प्रशंसा करते हैं। संगीत आदित्य और उत्साही है। ए आर रहमान अपने प्रशंसकों की लगातार बढ़ती सूची के लिए संगीत की एक अलग शैली बनाने में सफल रहे हैं। गीत निश्चित रूप से रोमांचक संगीत में वश में हो रहा है। इन नए संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसे आवश्यक खरीदना चाहिए। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक साथिया, इस गाने को सोनू निगम और क्लिंटन सेरोजो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो छलका छलका रे, इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर, वैशाली सामंत, ऋचा शर्मा और सोमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ए उदी उदी, इस गाने के गायकार अदनान सामी हैं। गाना नंबर चार ओ हमदम सोनिए रे, इस गाने के गायकार के कुणाल गांजावाला, शान साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चुपके से, इस गाने के गायकार साधना सरगम, मुर्तजा खान, कादिर खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे यार मिला दे, इस गाने के गायकार ए आर रहमानी हैं। गाना नंबर सात नैना मिला के, इस गाने के गायकार साधना सरगम और मधुश्री हैं। गाना नंबर आठ मंगलम, इस गाने के गायकार श्रीनिवास के कुणाल गांजावाला और शान हैं। गाना नंबर नौ चोरी पे चोरी, रैप के बोल और वोकल्स ब्लेज, इस गाने के गायकार आशा भोसले और कार्तिक हैं। पुरस्कार 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साथिया के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा मणिरत्नम, बेस्ट डायलॉग गुलजारी मनोनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विवेक ओबराय, जी सिने अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड्स ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जी सिने अवार्ड साथिया के लिए गुलजार जी सिने अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉ टेलर आईफा IIFA, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। दोस्तों यह मूवी बहुत ही हिट रही है, आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको साथियाँ मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। साथिया, साथिया अंग्रेजी कंपेनियन,
2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो शाद अली द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के बैनर तले मणिरत्नम और यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें शाहरुख खान और तब्बू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साउंडट्रैक AR रहमान द्वारा रचित था और गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। यह तमिल फिल्म अलैप्पा यूथो की रीमेक है, जिसका चरमोत्कर्ष 1998 की फिल्म स्लाइडिंग डोर्स से प्रेरित बताया गया था और जिसे मणिरत्नम ने भी निर्देशित किया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। निर्देशक शाद अली द्वारा लिखित गुलजार संवाद पटकथा की है मणिरत्नम। कहानी द्वारा मणिरत्नम पर आधारित, मणिरत्नम द्वारा अलैप यूथे द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, मणिरत्नम, बॉबी बेदी अभिनीत, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय, शाहरुख खान, तब्बू, कुणाल कुमार, छायांकन अनिल मेहता द्वारा संपादित, ए श्रीकर प्रसाद, संगीत दिया है AR रहमानी, उत्पादन कंपनियां यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज, कैलिडोस्कोप एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 20 दिसंबर 2002, कार्यकारी समय 139 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट $75 मिलियन, $940,000, बॉक्स ऑफिस 291 मिलियन, $3.6 मिलियन, भूखंड आदित्य सहगल, विवेक ओबराय और उसके दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी सहगल रानी मुखर्जी की तलाश कर रहे हैं। आदित्य के साथ उनकी असफल शादी को लेकर लड़ाई होने के कुछ दिनों बाद वह घंटों से लापता है, लेकिन आदित्य को अब पता चलता है कि वह उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और तबाह हो जाता है कि वह उसे नहीं ढूंढ सकता। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और डॉक्टर सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी को पहले तो लगता है कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालाँकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली की सुहानी की मध्यम वर्गीय जीवन शैली उनके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है, जहां आदित्य के पिता ओम सहगल सुहानी के पिता का अपमान करते हैं। आदित्य और सुहानी एलोपो और एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं। पहले तो वे अपने अपने घरों में रहते हैं और अपनी शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी ने फिर अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और एक जीर्ण शीर्ण घर में चले गए और एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने की धमकी देती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का अफेयर चल रहा है और वे एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वह उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर कि वे पैचअप कर लेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू करती है। यह पता चलता है कि शाब्दी तब्बू ही है जिसने सुहानी को उसकी कार से टक्कर मार दी थी। खुद से डर कर सावित्री अपने पति को बुलाती है, जो एक IAS अधिकारी है। उसका पति यशवंत राव शाहरुख खान अस्पताल जाता है और डॉक्टर को बताता है कि सुहानी उसकी पत्नी है और वह उसका ऑपरेशन करना चाहता है। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुंचता है। सुहानी कोमा में चली जाती है। यशवंत आदित्य को समझाता है और दोष लेता है और उसे बताता है कि उसने दुर्घटना का कारण बना था। आदित्य यशवंत को धमकाता है और चला जाता है। सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह थी जिसने दुर्घटना का कारण बना और
वह दोषी महसूस कर रही है। दोनों तब तक एक साथ आंसू बहाते हैं जब तक कि यशवंत आकर उसे उठा नहीं लेता। जल्दी स्वानी को होश आ जाता है। आदित्य भागता है और उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है जिससे वह अलग होने के घंटों में गुजरा। सुहानी भी उसके लिए अपने प्यार और भावनाओं का इजहार करती है। फिल्म आदित्य और सुहानी के मेकअप के रूप में समाप्त होती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फेंकना विवेक ओबराय के रूप में आदित्य सहगल, सुहानी के रूप में रानी मुखर्जी, यशवंत राव कैमियो के रूप में शाहरुख खान, सावित्री राव कैमियो के रूप में तब्बू, कुणाल कुमार भास्कर के रूप में संध्या मृदुल, दीना शर्मा के रूप में सुहानी की बहन, सुहानी के पिता चंद्र प्रकाश शर्मा के रूप में शरद सक्सेना, तनुजा शोभना शर्मा के रूप में सुहानी की मां सतीशा, बैरिस्टर ओम सहगल आदित्य के पिता के रूप में आदित्य की मां शांति सहगल के रूप में स्वरूप संपत, प्रेमा के रूप में अंजू महेंदु, आदित्य श्रीवास्तव एसीबी के रूप में कॉप राहुल पाटिल के रूप में राहुल चौहान, शमिता शेट्टी चोरी पे चोरी गाने में एक विशेष उपस्थिति में विशेष पिंकी के रूप में आर्य मेहता, उज्ज्वल राणा रघुनाथ रघु पंडित के रूप में पवली सान्याली, अंजू के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में दारू बाला के रूप में टीनू आनंद, दीपराज राणा इंस्पेक्टर के रूप में रघु के पिता के रूप में दीपक काजीर, विद्या के रूप में जया भट्टाचार्य, श्याम के रूप में कार्तिक कुमार, अस्पताल में महिला के रूप में मानसी उपाध्याय, मनु ऋषि चड्ढा डॉक्टर के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में गीत संगीत साथिया, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा ए आर रहमानी मुक्त 18 अक्टूबर 2002 डिजिटल रिलीज 20 दिसंबर 2002 फिल्म रिलीज रिकॉर्डेड पंचथन रिकॉर्ड इन शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक परिवेश लंबाई 44 दिन लेवल YRF संगीत निर्माता ए आर रहमान कालक्रम कदल वायरस 2002 साथियां 2002 परशुराम 2003 यार रहमान द्वारा रचित 9 गाने हैं और गुलजार के बोल हैं। यार रहमान ने 2 गानों में यार मिला दे और नैना मिला के अपवाद के साथ तमिल फिल्म अलैथा यूथो के साउंडट्रैक से अपनी सभी रचनाओं का फिर से उपयोग किया जिसने उनके तमिल समकशो इवानो ओरुवन और अलैप यूथो को बदल दिया। साउंडट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। एआर रहमान और सोनू निगम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्रमशः साथिया के लिए भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम देवदास के बाद साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के लिए गाने अलैप यूथो और इवानो ओरुवन को तमिल संस्करण से फिर से नहीं बनाया गया था। इसके बजाय रहमान ने एक शास्त्रीय गीत मेरे यार मिला दे और नैना मिला के एक सूफी ट्रैक की रचना की। गीतकार गुलजार जिन्होंने सभी हिंदी संस्करण गीत लिखे ने कहा, साथिया में मैंने प्यार किया, मैं मेरे यार मिला दे लिखा जो एक विशिष्ट रोमांटिक गीत नहीं है, हालांकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रेम गीत है। रत्नम के लिए रहमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए पिछले साउंडट्रैक के विपरीत पूर्व में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत शैलियों को आधुनिक लय में जोड़कर अधिकांश गीतों की रचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षा लिखने पर समीक्षक तरण आदर्श ने कहा, ये रहमान का संगीत मधुर और कानों पर आसान है, शीर्षक ट्रैक बहुत पसंद है, लेकिन आइटम गीत को आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है, चल रहा है। शायद इस गीत को भी मसाला जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलियन सिने अर्बन पर आधारित समीक्षक ने संगीत की प्रशंसा की। एक शानदार डिजिटल डाउन मिक्स केवल संगीत चैनलों पर सभी महत्वपूर्ण साउंड ट्रैक फंतासी संगीत वीडियो क्लिप को ड्राइव करता है जिसमें वे मल्टी कॉस्ट्यूम और मल्टी लोकेशन शो पीस हैं जो हमें ले जा रहे हैं।
झरने से लेकर बर्फीले पहाड़ के मैदानों तक रमणीय तटरेखाओं तक युगल और पूर्ण पैमाने पर शादी की दिनचर्या संगीत के मूड को सेट करने के लिए अपने चार्टर के साथ पहले हाफ जिप के रूप में एक दूसरे का अनुसरण करती है। प्लेनेट बॉलीवुड के विजय रामनान ए आर रहमान का संगीत और स्कोर जबकि दो गानों को छोड़कर मूल से फिर से बनाया गया है हमेशा की तरह शानदार। मिस्टर ब्राउन ने फिल्म के संगीत की समीक्षा की। गीत मुख्य रूप से लिफ्टिंग शिक्षक संख्या टक्कर देने वाला विभागीय छलका छलका रेसी स्प्लिट और मोहक गाथा गीत चुपके से चुपचाप और ए उड़ी 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 फिल्म अबे एक हाईलाइट ग्लैशम ने बताया। कुल मिलाकर ए आर रहमान की संगीत रचना की सभी प्रशंसा करते हैं। संगीत आदित्य और उत्साही है। ए आर रहमान अपने प्रशंसकों की लगातार बढ़ती सूची के लिए संगीत की एक अलग शैली बनाने में सफल रहे हैं। गीत निश्चित रूप से रोमांचक संगीत में वश में हो रहा है। इन नए संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसे आवश्यक खरीदना चाहिए। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक साथिया। इस गाने को सोनू निगम और क्लिंटन सेरोजो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो छलका छलका रे। इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर वैशाली सामंत ऋचा शर्मा और सोमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ए उदी उदी। इस गाने के गायकार अदनान सामी हैं। गाना नंबर चार ओ हमदम सोनिए रे। इस गाने के गायकार के कुणाल गांजावाला शान साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चुपके से। इस गाने के गायकार साधना सरगम मुर्तजा खान कादिर खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे यार मिला दे। इस गाने के गायकार ए आर रहमानी हैं। गाना नंबर सात नैना मिला के। इस गाने के गायकार साधना सरगम और मधुश्री हैं। गाना नंबर आठ मंगलम। इस गाने के गायकार श्रीनिवास के कुणाल गांजावाला और शान हैं। गाना नंबर नौ चोरी पे चोरी रैप के बोल और वोकल्स ब्लेज। इस गाने के गायकार आशा भोसले और कार्तिक हैं। पुरस्कार 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साथिया के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम साथिया के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मणिरत्नम। बेस्ट डायलॉग गुलजारी मनोनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विवेक ओबराय। जी सिने अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड्स ए आर रहमान। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जी सिने अवार्ड साथिया के लिए गुलजार। जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष सोनू निगम साथिया के लिए। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉ टेलर आईफा IIFA। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। दोस्तों यह मूवी बहुत ही हिट रही है। आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको साथियाँ मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। साथिया अंग्रेजी कंपेनियन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो शाद अली द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के बैनर तले मणिरत्नम और यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में रानी मुखर्जी
और विवेक ओबराय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें शाहरुख खान और तब्बू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित था और गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। यह तमिल फिल्म अलैप्पा यूथो की रीमेक है, जिसका चरमोत्कर्ष 1998 की फिल्म स्लाइडिंग डोर्स से प्रेरित बताया गया था और जिसे मणिरत्नम ने भी निर्देशित किया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। निर्देशक शाद अली द्वारा लिखित गुलजार संवाद पटकथा की है मणिरत्नम। कहानी द्वारा मणिरत्नम पर आधारित मणिरत्नम द्वारा अलैप यूथे द्वारा निर्मित यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, मणिरत्नम, बॉबी बेदी अभिनीत, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय, शाहरुख खान, तब्बू, कुणाल कुमार, छायांकन अनिल मेहता द्वारा संपादित ए श्रीकर प्रसाद, संगीत दिया है ए आर रहमानी, उत्पादन कंपनियां यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज, कैलिडोस्कोप एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 20 दिसंबर 2002, कार्यकारी समय 139 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट $75 मिलियन, $940,000, बॉक्स ऑफिस $291 मिलियन, $3.6 मिलियन। भूखंड आदित्य सहगल, विवेक ओबराय और उसके दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी सहगल रानी मुखर्जी की तलाश कर रहे हैं। आदित्य के साथ उनकी असफल शादी को लेकर लड़ाई होने के कुछ दिनों बाद वह घंटों से लापता है, लेकिन आदित्य को अब पता चलता है कि वह उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और तबाह हो जाता है कि वह उसे नहीं ढूंढ सकता। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और डॉक्टर सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी को पहले तो लगता है कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली की सुहानी की मध्यम वर्गीय जीवन शैली उनके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है, जहां आदित्य के पिता ओम सहगल सुहानी के पिता का अपमान करते हैं। आदित्य और सुहानी एलोपो और एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं। पहले तो वे अपने अपने घरों में रहते हैं और अपनी शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी ने फिर अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और एक जीर्ण शीर्ण घर में चले गए और एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने की धमकी देती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का अफेयर चल रहा है और वे एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वह उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर कि वे पैचअप कर लेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू करती है। यह पता चलता है कि शाब्दी तब्बू ही है जिसने सुहानी को उसकी कार से टक्कर मार दी थी। खुद से डर कर सावित्री अपने पति को बुलाती है, जो एक IAS अधिकारी है। उसका पति यशवंत राव शाहरुख खान अस्पताल जाता है और डॉक्टर को बताता है कि सुहानी उसकी पत्नी है और वह उसका ऑपरेशन करना चाहता है। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुँचता है। सुहानी कोमा में चली जाती है। यशवंत आदित्य को समझाता है और दोष लेता है और उसे बताता है कि उसने दुर्घटना का कारण बना था। आदित्य यशवंत को धमकाता है और चला जाता है। सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह थी जिसने दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। दोनों तब तक एक साथ आंसू बहाते हैं जब तक कि यशवंत आकर उसे उठा नहीं लेता। जल्दी सुहानी को होश आ जाता है। आदित्य भागता है और उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है, जिससे वह अलग होने के घंटों में
गुजरा। सुहानी भी उसके लिए अपने प्यार और भावनाओं का इजहार करती है। फिल्म आदित्य और सुहानी के मेकअप के रूप में समाप्त होती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फेंकना विवेक ओबराय के रूप में आदित्य सहगल, सुहानी के रूप में रानी मुखर्जी, यशवंत राव कैमियो के रूप में शाहरुख खान, सावित्री राव कैमियो के रूप में तब्बू, कुणाल कुमार भास्कर के रूप में संध्या मृदुल, दीना शर्मा के रूप में सुहानी की बहन, सुहानी के पिता चंद्र प्रकाश शर्मा के रूप में शरद सक्सेना, तनुजा शोभना शर्मा के रूप में सुहानी की माँ सतीशा, बैरिस्टर ओम सहगल आदित्य के पिता के रूप में आदित्य की माँ शांति सहगल के रूप में स्वरूप संपत, प्रेमा के रूप में अंजू महेंदु, आदित्य श्रीवास्तव एसीबी के रूप में कॉप राहुल पाटिल के रूप में राहुल चौहान, शमिता शेट्टी चोरी पे चोरी गाने में एक विशेष उपस्थिति में विशेष पिंकी के रूप में आर्य मेहता, उज्ज्वल राणा रघुनाथ रघु पंडित के रूप में पवली सान्याली, अंजू के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में दारू बाला के रूप में टीनू आनंद, दीपराज राणा इंस्पेक्टर के रूप में रघु के पिता के रूप में दीपक काजीर, विद्या के रूप में जया भट्टाचार्य, श्याम के रूप में कार्तिक कुमार, अस्पताल में महिला के रूप में मानसी उपाध्याय, मनु ऋषि चड्ढा डॉक्टर के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में गीत संगीत साथिया, साउंडट्रैक एल्बम द्वारा एआर रहमानी मुक्त 18 अक्टूबर 2002 डिजिटल रिलीज 20 दिसंबर 2002 फिल्म रिलीज रिकॉर्डेड पंचथन रिकॉर्ड इन शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक परिवेश लंबाई 44:3 लेवल YRF संगीत निर्माता एआर रहमान कालक्रम कदल वायरस 2002 साथियां 2002 परशुराम 2003 एआर रहमान द्वारा रचित 9 गाने हैं और गुलजार के बोल हैं। एआर रहमान ने 2 गानों में यार मिला दे और नैना मिला के अपवाद के साथ तमिल फिल्म अलैथा यूथो के साउंडट्रैक से अपनी सभी रचनाओं का फिर से उपयोग किया, जिसने उनके तमिल समकशो इवानो ओरुवन और अलैप यूथो को बदल दिया। साउंडट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। एआर रहमान और सोनू निगम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्रमशः साथिया के लिए भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम देवदास के बाद साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के लिए गाने अलैप यूथो और इवानो ओरुवन को तमिल संस्करण से फिर से नहीं बनाया गया था। इसके बजाय रहमान ने एक शास्त्रीय गीत मेरे यार मिला दे और नैना मिला के एक सूफी ट्रैक की रचना की। गीतकार गुलजार जिन्होंने सभी हिंदी संस्करण गीत लिखे ने कहा, साथिया में मैंने प्यार किया, मैं मेरे यार मिला दे लिखा जो एक विशिष्ट रोमांटिक गीत नहीं है, हालांकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रेम गीत है। रत्नम के लिए रहमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए पिछले साउंडट्रैक के विपरीत पूर्व में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत शैलियों को आधुनिक लय में जोड़कर अधिकांश गीतों की रचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षा लिखने पर समीक्षक तरण आदर्श ने कहा, ये रहमान का संगीत मधुर और कानों पर आसान है, शीर्षक ट्रैक बहुत पसंद है, लेकिन आइटम गीत को आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है, चल रहा है। शायद इस गीत को भी मसाला जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलियन सिने अर्बन पर आधारित समीक्षक ने संगीत की प्रशंसा की। एक शानदार डिजिटल डाउन मिक्स केवल संगीत चैनलों पर सभी महत्वपूर्ण साउंड ट्रैक फंतासी संगीत वीडियो क्लिप को ड्राइव करता है, जिसमें वे मल्टी कॉस्ट्यूम और मल्टी लोकेशन शो पीस हैं जो हमें ले जा रहे हैं झरने से लेकर बर्फीले पहाड़ के मैदानों तक, रमणीय तट रेखाओं तक, युगल और पूर्ण पैमाने पर शादी की दिनचर्या। संगीत के मूड को सेट करने के लिए अपने चार्टर के साथ पहले हाफ जिप के रूप में एक दूसरे का अनुसरण करती है। प्लेनेट
बॉलीवुड के विजय रामनान ए आर रहमान का संगीत और स्कोर जबकि दो गानों को छोड़कर मूल से फिर से बनाया गया है हमेशा की तरह शानदार। मिस्टर ब्राउन ने फिल्म के संगीत की समीक्षा की। गीत मुख्य रूप से लिफ्टिंग, शिक्षक संख्या, टक्कर देने वाला विभागीय, छलका छलका रेसी, स्प्लिट और मोहक गाथा गीत, चुपके से चुपचाप और ए उड़ी 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 फिलेम अबे एक हाईलाइट ग्लैशम ने बताया। कुल मिलाकर ए आर रहमान की संगीत रचना की सभी प्रशंसा करते हैं। संगीत आदित्य और उत्साही है। ए आर रहमान अपने प्रशंसकों की लगातार बढ़ती सूची के लिए संगीत की एक अलग शैली बनाने में सफल रहे हैं। गीत निश्चित रूप से रोमांचक संगीत में बश में हो रहा है। इन नए संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसे आवश्यक खरीदना चाहिए। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक साथिया। इस गाने को सोनू निगम और क्लिंटन सेरोजो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो छलका छलका रे। इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर, वैशाली सामंत, ऋचा शर्मा और सोमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ए उदी उदी। इस गाने के गायकार अदनान सामी हैं। गाना नंबर चार ओ हमदम सोनिए रे। इस गाने के गायकार के कुणाल गांजावाला, शान साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चुपके से। इस गाने के गायकार साधना सरगम, मुर्तजा खान, कादिर खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे यार मिला दे। इस गाने के गायकार ए आर रहमानी हैं। गाना नंबर सात नैना मिला के। इस गाने के गायकार साधना सरगम और मधुश्री हैं। गाना नंबर आठ मंगलम। इस गाने के गायकार श्रीनिवास के कुणाल गांजावाला और शान हैं। गाना नंबर नौ चोरी पे चोरी। रैप के बोल और वोकल्स ब्लेज। इस गाने के गायकार आशा भोसले और कार्तिक हैं। पुरस्कार 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साथिया के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा मणिरत्नम, बेस्ट डायलॉग गुलजारी मनोनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विवेक ओबराय, जी सिने अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड्स ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जी सिने अवार्ड साथिया के लिए गुलजार जी सिने अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉ टेलर आईफा IIFA, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। दोस्तों यह मूवी बहुत ही हिट रही है। आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको साथियाँ मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। साथिया अंग्रेजी कंपेनियन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो शाद अली द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के बैनर तले मणिरत्नम और यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें शाहरुख खान और तब्बू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साउंडट्रैक ए आर रहमान द्वारा रचित था और गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। यह तमिल फिल्म
अलैपा यूथो की रीमेक है जिसका चरमोत्कर्ष 1998 की फिल्म स्लाइडिंग डोर्स से प्रेरित बताया गया था और जिसे मणिरत्नम ने भी निर्देशित किया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। निर्देशक शाद अली द्वारा लिखित गुलजार संवाद पटकथा की है मणिरत्नम। कहानी द्वारा मणिरत्नम पर आधारित मणिरत्नम द्वारा अलैप यूथे द्वारा निर्मित यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, मणिरत्नम, बॉबी बेदी अभिनीत, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय, शाहरुख खान, तब्बू, कुणाल कुमार, छायांकन अनिल मेहता द्वारा संपादित ए श्रीकर प्रसाद, संगीत दिया है ए आर रहमानी, उत्पादन कंपनियां यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज, कैलिडोस्कोप एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 20 दिसंबर 2002, कार्यकारी समय 139 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 75 मिलियन $975,000, बॉक्स ऑफिस 291 मिलियन $3.6 मिलियन, 3.6 मिलियन। भूखंड आदित्य सहगल, विवेक ओबराय और उसके दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी सहगल रानी मुखर्जी की तलाश कर रहे हैं। आदित्य के साथ उनकी असफल शादी को लेकर लड़ाई होने के कुछ दिनों बाद वह घंटों से लापता है, लेकिन आदित्य को अब पता चलता है कि वह उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और तबाह हो जाता है कि वह उसे नहीं ढूंढ सकता। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और डॉक्टर सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी को पहले तो लगता है कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली की सुहानी की मध्यम वर्गीय जीवन शैली उनके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है, जहां आदित्य के पिता ओम सहगल सुहानी के पिता का अपमान करते हैं। आदित्य और सुहानी एलोको और एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं। पहले तो वे अपने अपने घरों में रहते हैं और अपनी शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी ने फिर अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और एक जीर्ण शीर्ण घर में चले गए और एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने की धमकी देती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का अफेयर चल रहा है और वे एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वह उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर कि वे पैचअप कर लेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू करती है। यह पता चलता है कि शाब्दी तब्बू ही है जिसने सुहानी को उसकी कार से टक्कर मार दी थी। खुद से डर कर सावित्री अपने पति को बुलाती है, जो एक IAS अधिकारी है। उसका पति यशवंत राव शाहरुख खान अस्पताल जाता है और डॉक्टर को बताता है कि सुहानी उसकी पत्नी है और वह उसका ऑपरेशन करना चाहता है। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुँचता है। सुहानी कोमा में चली जाती है। यशवंत आदित्य को समझाता है और दोष लेता है और उसे बताता है कि उसने दुर्घटना का कारण बना था। आदित्य यशवंत को धमकाता है और चला जाता है। सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह थी जिसने दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। दोनों तब तक एक साथ आंसू बहाते हैं जब तक कि यशवंत आकर उसे उठा नहीं लेता। जल्दी सुहानी को होश आ जाता है। आदित्य भागता है और उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है जिससे वह अलग होने के घंटों में गुजरा। सुहानी भी उसके लिए अपने प्यार और भावनाओं का इजहार करती है। फिल्म आदित्य और सुहानी के मेकअप के रूप में समाप्त होती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फेंकना
विवेक ओबराय के रूप में आदित्य सहगल, सुहानी के रूप में रानी मुखर्जी, यशवंत राव कैमियो के रूप में शाहरुख खान, सावित्री राव कैमियो के रूप में तब्बू, कुणाल कुमार भास्कर के रूप में संध्या मृदुल, दीना शर्मा के रूप में सुहानी की बहन, सुहानी के पिता चंद्र प्रकाश शर्मा के रूप में शरद सक्सेना, तनुजा शोभना शर्मा के रूप में सुहानी की माँ सतीशा, बैरिस्टर ओम सहगल आदित्य के पिता के रूप में आदित्य की माँ शांति सहगल के रूप में स्वरूप संपत, प्रेमा के रूप में अंजू महेंदु, आदित्य श्रीवास्तव एसीबी के रूप में कॉप राहुल पाटिल के रूप में राहुल चौहान, शमिता शेट्टी चोरी पे चोरी गाने में एक विशेष उपस्थिति में विशेष पिंकी के रूप में आर्य मेहता, उज्ज्वल राणा रघुनाथ रघु पंडित के रूप में पवली सान्याली, अंजू के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में दारू बाला के रूप में टीनू आनंद, दीपराज राणा इंस्पेक्टर के रूप में रघु के पिता के रूप में दीपक काजीर, विद्या के रूप में जया भट्टाचार्य, श्याम के रूप में कार्तिक कुमार, अस्पताल में महिला के रूप में मानसी उपाध्याय, मनु ऋषि चड्डा डॉक्टर के रूप में परितोष रेत वेदो के रूप में गीत संगीत साथिया साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा ए आर रहमानी मुक्त 18 अक्टूबर 2002 डिजिटल रिलीज 20 दिसंबर 2002 फिल्म रिलीज रिकॉर्डेड पंचथन रिकॉर्ड इन शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक परिवेश लंबाई 44:3 लेवल वाई आर एफ संगीत निर्माता ए आर रहमानी ए आर रहमान कालक्रम कदल वायरस 2002 साथियां 2002 परशुराम 2003 ए आर रहमान द्वारा रचित 9 गाने हैं और गुलजार के बोल हैं। ए आर रहमान ने 2 गानों में यार मिला दे और नैना मिला के अपवाद के साथ तमिल फिल्म अलैथा यूथो के साउंडट्रैक से अपनी सभी रचनाओं का फिर से उपयोग किया, जिसने उनके तमिल समकशो इवानो ओरुवन और अलैप यूथो को बदल दिया। साउंडट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। ए आर रहमान और सोनू निगम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्रमशः साथिया के लिए भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम देवदास के बाद साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के लिए गाने अलैप यूथो और इवानो ओरुवन को तमिल संस्करण से फिर से नहीं बनाया गया था। इसके बजाय रहमान ने एक शास्त्रीय गीत मेरे यार मिला दे और नैना मिला के एक सूफी ट्रैक की रचना की। गीतकार गुलजार जिन्होंने सभी हिंदी संस्करण गीत लिखे ने कहा, साथिया में मैंने प्यार किया, मैं मेरे यार मिला दे लिखा जो एक विशिष्ट रोमांटिक गीत नहीं है, हालांकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रेम गीत है। रत्नम के लिए रहमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए पिछले साउंडट्रैक के विपरीत पूर्व में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत शैलियों को आधुनिक लय में जोड़कर अधिकांश गीतों की रचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षा लिखने पर समीक्षक तरण आदर्श ने कहा, ये रहमान का संगीत मधुर और कानों पर आसान है, शीर्षक ट्रैक बहुत पसंद है, लेकिन आइटम गीत को आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है, चल रहा है। शायद इस गीत को भी मसाला जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलियन सिने अर्बन पर आधारित समीक्षक ने संगीत की प्रशंसा की। एक शानदार डिजिटल डाउन मिक्स केवल संगीत चैनलों पर सभी महत्वपूर्ण साउंड ट्रैक फंतासी संगीत वीडियो क्लिप को ड्राइव करता है, जिसमें वे मल्टी कॉस्ट्यूम और मल्टी लोकेशन शो पीस हैं जो हमें ले जा रहे हैं झरने से लेकर बर्फीले पहाड़ के मैदानों तक, रमणीय तट रेखाओं तक, युगल और पूर्ण पैमाने पर शादी की दिनचर्या। संगीत के मूड को सेट करने के लिए अपने चार्टर के साथ पहले हाफ जिप के रूप में एक दूसरे का अनुसरण करती है। प्लेनेट बॉलीवुड के विजय रामनन ए आर रहमान का संगीत और स्कोर जबकि 2 गानों को छोड़कर मूल से फिर से बनाया गया है, हमेशा की तरह शानदार। मिस्टर ब्राउन ने फिल्म के संगीत की समीक्षा की।
गीत मुख्य रूप से लिफ्टिंग शिक्षक संख्या टक्कर देने वाला विभागीय छलका छलका रेसी स्प्लिट और मोहक गाथा गीत चुपके से चुपचाप और ए उड़ी 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 फिलेम अबे एक हाईलाइट ग्लैशम ने बताया। कुल मिलाकर ए आर रहमान की संगीत रचना की सभी प्रशंसा करते हैं। संगीत आदित्य और उत्साही है। ए आर रहमान अपने प्रशंसकों की लगातार बढ़ती सूची के लिए संगीत की एक अलग शैली बनाने में सफल रहे हैं। गीत निश्चित रूप से रोमांचक संगीत में वश में हो रहा है। इन्हें संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसे आवश्यक खरीदना चाहिए। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक साथिया। इस गाने को सोनू निगम और क्लिंटन सेरोजो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो छलका छलका रे। इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर, वैशाली सामंत, ऋचा शर्मा और सोमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ए उड़ी उड़ी। इस गाने के गायकार अदनान सामी हैं। गाना नंबर चार ओ हमदम सोनिए रे। इस गाने के गायकार के कुणाल गांजावाला, शान साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चुपके से। इस गाने के गायकार साधना सरगम, मुर्तजा खान, कादिर खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे यार मिला दे। इस गाने के गायकार ए आर रहमानी हैं। गाना नंबर सात नैना मिला के। इस गाने के गायकार साधना सरगम और मधुश्री हैं। गाना नंबर आठ मंगलम। इस गाने के गायकार श्रीनिवास के कुणाल गांजावाला और शान हैं। गाना नंबर नौ चोरी पे चोरी। रैप के बोल और वोकल्स ब्लेज। इस गाने के गायकार आशा भोसले और कार्तिक हैं। पुरस्कार 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साथिया के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा मणिरत्नम, बेस्ट डायलॉग गुलजारी मनोनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विवेक ओबराय, जी सिने अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड्स ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जी सिने अवार्ड साथिया के लिए गुलजार जी सिने अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉ टेलर आईफा IIFA, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। दोस्तों यह मूवी बहुत ही हिट रही है। आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको साथियाँ मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। साथिया। साथिया अंग्रेजी कंपेनियन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो शाद अली द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के बैनर तले मणिरत्नम और यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें शाहरुख खान और तब्बू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साउंडट्रैक ए आर रहमान द्वारा रचित था और गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। यह तमिल फिल्म अलैप्पा यूथो की रीमेक है, जिसका चरमोत्कर्ष 1998 की फिल्म स्लाइडिंग डोर्स से प्रेरित बताया गया था और जिसे मणिरत्नम ने भी
निर्देशित किया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। निर्देशक शाद अली द्वारा लिखित गुलजार संवाद पटकथा की है मणिरत्नम। कहानी द्वारा मणिरत्नम पर आधारित, मणिरत्नम द्वारा अलैप यूथे द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, मणिरत्नम, बॉबी बेदी अभिनीत, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय, शाहरुख खान, तब्बू, कुणाल कुमार, छायांकन अनिल मेहता द्वारा संपादित, ए श्रीकर प्रसाद, संगीत दिया है ए आर रहमानी, उत्पादन कंपनियां यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज, कैलिडोस्कोप एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 20 दिसंबर 2002, कार्यकारी समय 139 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट $75 मिलियन, $940,000, बॉक्स ऑफिस $291 मिलियन, $3.6 मिलियन। भूखंड आदित्य सहगल, विवेक ओबराय और उसके दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी सहगल रानी मुखर्जी की तलाश कर रहे हैं। आदित्य के साथ उनकी असफल शादी को लेकर लड़ाई होने के कुछ दिनों बाद वह घंटों से लापता है, लेकिन आदित्य को अब पता चलता है कि वह उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और तबाह हो जाता है कि वह उसे नहीं ढूंढ सकता। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और डॉक्टर सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी को पहले तो लगता है कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली की सुहानी की मध्यम वर्गीय जीवन शैली उनके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है, जहां आदित्य के पिता ओम सहगल सुहानी के पिता का अपमान करते हैं। आदित्य और सुहानी एलोपो और एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं। पहले तो वे अपने अपने घरों में रहते हैं और अपनी शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी ने फिर अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और एक जीर्ण शीर्ण घर में चले गए और एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने की धमकी देती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का अफेयर चल रहा है और वे एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वह उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर कि वे पैचअप कर लेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू करती है। यह पता चलता है कि शाब्दी तब्बू ही है जिसने सुहानी को उसकी कार से टक्कर मार दी थी। खुद से डर कर सावित्री अपने पति को बुलाती है, जो एक IAS अधिकारी है। उसका पति यशवंत राव शाहरुख खान अस्पताल जाता है और डॉक्टर को बताता है कि सुहानी उसकी पत्नी है और वह उसका ऑपरेशन करना चाहता है। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुँचता है। सुहानी कोमा में चली जाती है। यशवंत आदित्य को समझाता है और दोष लेता है और उसे बताता है कि उसने दुर्घटना का कारण बना था। आदित्य यशवंत को धमकाता है और चला जाता है। सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह थी जिसने दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। दोनों तब तक एक साथ आंसू बहाते हैं जब तक कि यशवंत आकर उसे उठा नहीं लेता। जल्दी सुहानी को होश आ जाता है। आदित्य भागता है और उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है जिससे वह अलग होने के घंटों में गुजरा। सुहानी भी उसके लिए अपने प्यार और भावनाओं का इजहार करती है। फिल्म आदित्य और सुहानी के मेकअप के रूप में समाप्त होती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फेंकना विवेक ओबराय के रूप में आदित्य सहगल, सुहानी के रूप में रानी मुखर्जी, यशवंत राव कैमियो के रूप में शाहरुख खान, सावित्री राव कैमियो के रूप में तब्बू, कुणाल कुमार भास्कर के रूप में संध्या मृदुल,
दीना शर्मा के रूप में सुहानी की बहन, सुहानी के पिता चंद्र प्रकाश शर्मा के रूप में शरद सक्सेना, तनुजा शोभना शर्मा के रूप में सुहानी की माँ सतीशा, बैरिस्टर ओम सहगल आदित्य के पिता के रूप में आदित्य की माँ शांति सहगल के रूप में स्वरूप संपत, प्रेमा के रूप में अंजू महेंदू, आदित्य श्रीवास्तव एसीबी के रूप में कॉप राहुल पाटिल के रूप में राहुल चौहान, समिता शेट्टी चोरी पे चोरी गाने में एक विशेष उपस्थिति में विशेष पिंकी के रूप में आर्य मेहता, उज्ज्वल राणा रघुनाथ रघु पंडित के रूप में पवली सान्याली, अंजू के रूप में परितोष रेत, वेदों के रूप में दारू बाला के रूप में टीनू आनंद, दीपराज राणा इंस्पेक्टर के रूप में रघु के पिता के रूप में दीपक काजी, विद्या के रूप में जया भट्टाचार्य, श्याम के रूप में कार्तिक कुमार, अस्पताल में महिला के रूप में मानसी उपाध्याय, मनु ऋषि चड्डा डॉक्टर के रूप में परितोष रेत, वेदों के रूप में गीत संगीत साथिया, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा ए आर रहमानी मुक्त 18 अक्टूबर 2002 डिजिटल रिलीज 20 दिसंबर 2002 फिल्म रिलीज रिकॉर्डेड पंचधन रिकॉर्ड इन शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक परिवेश लंबाई 44:3 लेवल YRF संगीत निर्माता ए आर रहमान कालक्रम कदल वायरस 2002 साथियां 2002 परशुराम 2003 ए आर रहमान द्वारा रचित 9 गाने हैं और गुलजार के बोल हैं। ए आर रहमान ने 2 गानों मेरे यार मिला दे और नैना मिला के अपवाद के साथ तमिल फिल्म अलैथा यूथो के साउंडट्रैक से अपनी सभी रचनाओं का फिर से उपयोग किया, जिसने उनके तमिल समकशो इवानो ओरवन और अलैप यूथो को बदल दिया। साउंडट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। ए आर रहमान और सोनू निगम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्रमशः साथिया के लिए भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम देवदास के बाद साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के लिए गाने अलैप यूथो और इवानो ओरुवन को तमिल संस्करण से फिर से नहीं बनाया गया था। इसके बजाय रहमान ने एक शास्त्रीय गीत मेरे यार मिला दे और नैना मिला के एक सूफी ट्रैक की रचना की। गीतकार गुलजार जिन्होंने सभी हिंदी संस्करण गीत लिखे ने कहा, साथिया में मैंने प्यार किया, मैं मेरे यार मिला दे लिखा जो एक विशिष्ट रोमांटिक गीत नहीं है, हालांकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रेम गीत है। रत्नम के लिए रहमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए पिछले साउंडट्रैक के विपरीत पूर्व में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत शैलियों को आधुनिक लय में जोड़कर अधिकांश गीतों की रचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षा लिखने पर समीक्षक तरण आदर्श ने कहा, ए आर रहमान का संगीत मधुर और कानों पर आसान है, शीर्षक ट्रैक बहुत पसंद है, लेकिन आइटम गीत को आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है, चल रहा है। शायद इस गीत को भी मसाला जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलियन सिने अर्बन पर आधारित समीक्षक ने संगीत की प्रशंसा की। एक शानदार डिजिटल डाउन मिक्स केवल संगीत चैनलों पर सभी महत्वपूर्ण साउंड ट्रैक फंतासी संगीत वीडियो क्लिप को ड्राइव करता है, जिसमें वे मल्टी कॉस्ट्यूम और मल्टी लोकेशन शो पीस हैं जो हमें ले जा रहे हैं झरने से लेकर बर्फीले पहाड़ के मैदानों तक, रमणीय तट रेखाओं तक, युगल और पूर्ण पैमाने पर शादी की दिनचर्या। संगीत के मूड को सेट करने के लिए अपने चार्टर के साथ पहले हाफ जिप के रूप में एक दूसरे का अनुसरण करती है। प्लेनेट बॉलीवुड के विजय रामनान ए आर रहमान का संगीत स्कोर जबकि 2 गानों को छोड़कर मूल से फिर से बनाया गया है, हमेशा की तरह शानदार। मिस्टर ब्राउन ने फिल्म के संगीत की समीक्षा की। गीत मुख्य रूप से लिफ्टिंग, शिक्षक संख्या, टक्कर देने वाला विभागीय, छलका छलका रेसी, स्प्लिट और मोहक गाथा गीत, चुपके से चुपचाप और ए उड़ी 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 फिल्म अभी एक
हाईलाइट ग्लेशम ने बताया। कुल मिलाकर एआर रहमान की संगीत रचना की सभी प्रशंसा करते हैं। संगीत आदित्य और उत्साही है। एआर रहमान अपने प्रशंसकों की लगातार बढ़ती सूची के लिए संगीत की एक अलग शैली बनाने में सफल रहे हैं। गीत निश्चित रूप से रोमांचक संगीत में बश में हो रहा है। नए संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसे आवश्यक खरीदना चाहिए। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक साथिया। इस गाने को सोनू निगम और क्लिंटन सेरोजो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो छलका छलका रे। इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर, वैशाली सामंत, ऋचा शर्मा और सोमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ए उड़ी उड़ी। इस गाने के गायकार अदनान सामी हैं। गाना नंबर चार ओ हमदम सोनिए रे। इस गाने के गायकार के कुणाल गांजावाला, शान साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चुपके से। इस गाने के गायकार साधना सरगम, मुर्तजा खान, कादिर खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे यार मिला दे। इस गाने के गायकार ए आर रहमानी हैं। गाना नंबर सात नैना मिला के। इस गाने के गायकार साधना सरगम और मधुश्री हैं। गाना नंबर आठ मंगलम। इस गाने के गायकार श्रीनिवास के कुणाल गांजावाला और शान हैं। गाना नंबर नौ चोरी पे चोरी। रैप के बोल और वोकल्स ब्लेज। इस गाने के गायकार आशा भोसले और कार्तिक हैं। पुरस्कार 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक एआर रहमान। सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साथिया के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम साथिया के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मणिरत्नम। बेस्ट डायलॉग गुलजारी मनोनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विवेक ओबराय। जी सिने अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड्स एआर रहमान। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जी सिने अवार्ड साथिया के लिए गुलजार। जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष सोनू निगम साथिया के लिए। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉ टेलर आईफा IIFA। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। दोस्तों यह मूवी बहुत ही हिट रही है। आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको साथियाँ मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। साथिया अंग्रेजी कंपेनियन 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो शाद अली द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के बैनर तले मणिरत्नम और यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें शाहरुख खान और तब्बू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साउंडट्रैक एआर रहमान द्वारा रचित था और गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। यह तमिल फिल्म अलैप्पा यूथो की रीमेक है, जिसका चरमोत्कर्ष 1998 की फिल्म स्लाइडिंग डोर्स से प्रेरित बताया गया था और जिसे मणिरत्नम ने भी निर्देशित किया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते।
निर्देशक शाद अली द्वारा लिखित गुलजार संवाद पटकथा की है मणिरत्नम। कहानी द्वारा मणिरत्नम पर आधारित, मणिरत्नम द्वारा अलैप यूथे द्वारा निर्मित, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, मणिरत्नम, बॉबी बेदी अभिनीत, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय, शाहरुख खान, तब्बू, कुणाल कुमार, छायांकन अनिल मेहता द्वारा संपादित, ए श्रीकर प्रसाद, संगीत दिया है ए आर रहमानी, उत्पादन कंपनियां यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज द्वारा वितरित, यशराज फिल्म्स मद्रास टॉकीज, कैलिडोस्कोप एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 20 दिसंबर 2002, कार्यकारी समय 139 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट $75 मिलियन, $940,000, बॉक्स ऑफिस $291 मिलियन, $3.6 मिलियन। भूखंड आदित्य सहगल, विवेक ओबराय और उसके दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी सहगल रानी मुखर्जी की तलाश कर रहे हैं। आदित्य के साथ उनकी असफल शादी को लेकर लड़ाई होने के कुछ दिनों बाद वह घंटों से लापता है, लेकिन आदित्य को अब पता चलता है कि वह उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और तबाह हो जाता है कि वह उसे नहीं ढूंढ सकता। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और डॉक्टर सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी को पहले तो लगता है कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली की सुहानी की मध्यम वर्गीय जीवन शैली उनके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है, जहां आदित्य के पिता ओम सहगल सुहानी के पिता का अपमान करते हैं। आदित्य और सुहानी एलोपो और एक छोटे से समारोह में शादी कर लेते हैं। पहले तो वे अपने अपने घरों में रहते हैं और अपनी शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी ने फिर अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया और एक जीर्ण शीर्ण घर में चले गए और एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने की धमकी देती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का अफेयर चल रहा है और वे एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जैसे ही वह सड़क पार कर रही थी, एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। आदित्य को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वह उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर कि वे पैचअप कर लेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू करती है। यह पता चलता है कि शाब्दी तब्बू ही है जिसने सुहानी को उसकी कार से टक्कर मार दी थी। खुद से डर कर सावित्री अपने पति को बुलाती है, जो एक IAS अधिकारी है। उसका पति यशवंत राव शाहरुख खान अस्पताल जाता है और डॉक्टर को बताता है कि सुहानी उसकी पत्नी है और वह उसका ऑपरेशन करना चाहता है। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुँचता है। सुहानी कोमा में चली जाती है। यशवंत आदित्य को समझाता है और दोष लेता है और उसे बताता है कि उसने दुर्घटना का कारण बना था। आदित्य यशवंत को धमकाता है और चला जाता है। सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह थी जिसने दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। दोनों तब तक एक साथ आंसू बहाते हैं जब तक कि यशवंत आकर उसे उठा नहीं लेता। जल्द ही सुहानी को होश आ जाता है। आदित्य भागता है और उस दर्द और पीड़ा को व्यक्त करता है जिससे वह अलग होने के घंटों में गुजरा। सुहानी भी उसके लिए अपने प्यार और भावनाओं का इजहार करती है। फिल्म आदित्य और सुहानी के मेकअप के रूप में समाप्त होती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फेंकना, विवेक ओबराय के रूप में आदित्य सहगल, सुहानी के रूप में रानी मुखर्जी, यशवंत राव कैमियो के रूप में शाहरुख खान, सावित्री राव कैमियो के रूप में तब्बू, कुणाल कुमार भास्कर के रूप में संध्या मृदुल, दीना शर्मा के रूप में सुहानी की बहन, सुहानी के पिता चंद्र प्रकाश शर्मा के रूप में शरद सक्सेना, तनुजा शोभना शर्मा के रूप में सुहानी की मां सतीशा, बैरिस्टर ओम सहगल आदित्य के पिता के रूप में आदित्य की मां शांति सहगल के रूप में स्वरूप संपत,
प्रेमा के रूप में अंजु महेंदू, आदित्य श्रीवास्तव एसीबी के रूप में कॉप राहुल पाटिल, के रूप में राहुल चौहान, समिता शेट्टी, चोरी पे चोरी गाने में एक विशेष उपस्थिति में विशेष पिंकी के रूप में आर्य मेहता, उज्ज्वल राणा, रघुनाथ रघु पंडित के रूप में पवली सान्याली, अंजू के रूप में परितोष रेत वेदों के रूप में दारू बाला, के रूप में टीनू आनंद, दीपराज राणा, इंस्पेक्टर के रूप में रघु के पिता के रूप में दीपक काजी, विद्या के रूप में जया भट्टाचार्य, श्याम के रूप में कार्तिक कुमार, अस्पताल में महिला के रूप में मानसी उपाध्याय, मनु ऋषि चड्डा, डॉक्टर के रूप में परितोष रेत वेदों के रूप में गीत संगीत साथिया, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा एआर रहमानी, मुक्त 18 अक्टूबर 2002, डिजिटल रिलीज 20 दिसंबर 2002, फिल्म रिलीज रिकॉर्डेड पंचधन रिकॉर्ड इन शैली, फीचर फिल्म साउंड ट्रैक परिवेश लंबाई 44:3, लेवल YRF, संगीत निर्माता एआर रहमानी, एआर रहमान कालक्रम कदल वायरस 2002, साथियां 2002, परशुराम 2003। एआर रहमान द्वारा रचित 9 गाने हैं और गुलजार के बोल हैं। एआर रहमान ने 2 गानों में यार मिला दे और नैना मिला के अपवाद के साथ तमिल फिल्म अलैथा यूथो के साउंडट्रैक से अपनी सभी रचनाओं का फिर से उपयोग किया, जिसने उनके तमिल समकशो इवानो ओरुवन और अलैप यूथो को बदल दिया। साउंडट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। एआर रहमान और सोनू निगम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। क्रमशः साथिया के लिए भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम देवदास के बाद साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के लिए गाने अलैप यूथो और इवानो ओरुवन को तमिल संस्करण से फिर से नहीं बनाया गया था। इसके बजाय रहमान ने एक शास्त्रीय गीत मेरे यार मिला दे और नैना मिला के एक सूफी ट्रैक की रचना की। गीतकार गुलजार, जिन्होंने सभी हिंदी संस्करण गीत लिखे, ने कहा, साथिया में मैंने प्यार किया, मैं मेरे यार मिला दे लिखा, जो एक विशिष्ट रोमांटिक गीत नहीं है, हालांकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रेम गीत है। रत्नम के लिए रहमान द्वारा रिकॉर्ड किए गए पिछले साउंडट्रैक के विपरीत पूर्व में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत शैलियों को आधुनिक लय में जोड़कर अधिकांश गीतों की रचना की गई थी। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षा लिखने पर समीक्षक तरण आदर्श ने कहा, ये रहमान का संगीत मधुर और कानों पर आसान है। शीर्षक ट्रैक बहुत पसंद है, लेकिन आइटम गीत को आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है, चल रहा है। शायद इस गीत को भी मसाला जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलियन सिने अर्बन पर आधारित समीक्षक ने संगीत की प्रशंसा की। एक शानदार डिजिटल डाउन मिक्स केवल संगीत चैनलों पर सभी महत्वपूर्ण साउंड ट्रैक फंतासी संगीत वीडियो क्लिप को ड्राइव करता है, जिसमें वे मल्टी कॉस्ट्यूम और मल्टी लोकेशन शो पीस हैं जो हमें ले जा रहे हैं झरने से लेकर बर्फीले पहाड़ के मैदानों तक, रमणीय तटरेखाओं तक, युगल और पूर्ण पैमाने पर शादी की दिनचर्या। संगीत के मूड को सेट करने के लिए अपने चार्टर के साथ पहले हाफ जिप के रूप में एक दूसरे का अनुसरण करती है। प्लेनेट बॉलीवुड के विजय रामनान, ए आर रहमान का संगीत और स्कोर जबकि 2 गानों को छोड़कर मूल से फिर से बनाया गया है, हमेशा की तरह शानदार। मिस्टर ब्राउन ने फिल्म के संगीत की समीक्षा की। गीत मुख्य रूप से लिफ्टिंग, शिक्षक संख्या, टक्कर देने वाला विभागी, छलका छलका रेसी, स्प्लिट और मोहक गाथा गीत, चुपके से चुपचाप और ए उड़ी 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 फ्लेम अवे एक हाईलाइट। ग्लेशम ने बताया, कुल मिलाकर ए आर रहमान की संगीत रचना की सभी प्रशंसा करते हैं। संगीत आदित्य और उत्साही है। ए आर रहमान अपने प्रशंसकों की लगातार बढ़ती सूची के लिए संगीत की एक अलग शैली बनाने में सफल रहे हैं।
गीत निश्चित रूप से रोमांचक संगीत में वश में हो रहा है। इन्हें संगीत को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसे अवश्य खरीदना चाहिए। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक साथिया, इस गाने को सोनू निगम और क्लिंटन सेरोजो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो छलका छलका रे, इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर, वैशाली सामंत, ऋचा शर्मा और सोमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ए उड़ी उड़ी, इस गाने के गायकार अदनान सामी हैं। गाना नंबर चार ओ हमदम सोनिए रे, इस गाने के गायकार के कुणाल गांजावाला, शान साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चुपके से, इस गाने के गायकार साधना सरगम, मुर्तजा खान, कादिर खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे यार मिला दे, इस गाने के गायकार ए आर रहमानी हैं। गाना नंबर सात नैना मिला के, इस गाने के गायकार साधना सरगम और मधुश्री हैं। गाना नंबर आठ मंगलम, इस गाने के गायकार श्रीनिवास के कुणाल गांजावाला और शान हैं। गाना नंबर नौ चोरी पे चोरी, रैप के बोल और वोकल्स ब्लेज, इस गाने के गायकार आशा भोसले और कार्तिक हैं। पुरस्कार 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार साथिया के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा मणिरत्नम, बेस्ट डायलॉग गुलजारी मनोनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विवेक ओबराय, जी सिने अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड्स ए आर रहमान, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए जी सिने अवार्ड साथिया के लिए गुलजार, जी सिने अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष सोनू निगम साथिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉ टेलर आईफा IIFA, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ए आर रहमान। दोस्तों यह मूवी बहुत ही हिट रही है, आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।